नमस्कार, हूँ तो बोलीश में रोना पटेल आपनु स्वागत करूँ छू। रोज हूँ तो बोलीश स्टूडियो में थी करतो हो छू, परंतु अरविंद केजरीवाल दिल्ली ना मुख्यमंत्री और पंजाब ना मुख्यमंत्री भगवत मान गुजरात आ चुक्या है। गुजरात की अंदर तेमनी तिरंगा यात्रा अमदावाद में थी है, त्यारे तेमनु शू प्लानिंग है 2022 की गुजरात की चूंटणी ने लईने तेनी बात करवी छे। एटले आजे इंटरव्यूना अंदाजनी अंदर हूँ तो बोलीश कार्यक्रम करीश, आप मारी साथे जोई शकशो अरविंद केजरीवाल और भगवत मान इंटरव्यू। पंजाब में आपकी सरकार बनने के बाद पहली बार दो राज्य के मुख्यमंत्री एक साथ इंटरव्यू के लिए मेरे साथ मौजूद है। भगवंत मान जी मौजूद है, साथ में एक दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी मौजूद है। मान साहब, आपसे ही शुरू करना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत अभिनंदन, क्योंकि कोई भी स्टेट का मुख्यमंत्री बनता है तो स्वाभाविक तौर पर 100 दिन का प्लानिंग बनाता है अपने स्टेट के लिए। लेकिन मैंने पहले मुख्यमंत्री देखे जो अपने स्टेट के साथ दूसरे प्रदेश में पार्टी के प्रचार के लिए भी निकले, क्या वजह रही? लेकिन आपने ये तो देखा, अच्छी बात है कि आप प्रदेश में निकला, 100 दिन का वो प्लान बनाते हैं, लेकिन हम 100 मिनट का प्लान बना के आए। जितने ऐलान, जितने फैसले हमने 15 दिन में 16 दिन में हमने किए हैं, पंजाब के लोग ये कह रहे हैं कि इतने तो 15 साल में नहीं हुए। तो चाहे वो 25,000 युवाओं को नई जॉब्स देने का हो गारंटी जो हमने दी थी, चाहे 35,000 जो आउटसोर्सिंग और कच्चे मुलाजिम उनको पक्के करने की हो, चाहे वो MLAs की 6,600 पेंशन्स ख़त्म करने की हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूलों को फीस ना बढ़ाने की हदायतें हों और एक ही दुकान से वर्दी या किताबें खरीदने के आदेश नहीं दे सकते, वो उनको सबको बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी किताबों की दुकानें हैं, उन पर वहाँ पे माता पिता जा सकते हैं। एंटी करप्शन, और एंटी करप्शन का हमने सबसे पहला शहीद आज़म भगत सिंह के दिन नंबर जारी किया 9501200200, जिस पे हमें लोगों ने वीडियो बना के भेजे और बहुत से एक्शन भी हुए। एंटी करप्शन हेल्पलाइन ही, एंटी करप्शन एक्शन लाइन है वो। तो मेरा फ़र्ज है, मैं मेरी पार्टी जो है वो नेशनल लेवल पे जा रही है और जहाँ भी मेरी ड्यूटी लगेगी तो हम जाएंगे। और ये इन्होंने जो बातें बताई, पहले मैं समझता हूँ 16 तारीख को इनकी शपथ हुई, आज 2 तारीख है तो कितने 14, 15, 16 दिन हुए हैं। 16 दिन में पंजाब से भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया। मैं बताता हूँ कैसे। इन्होंने एक फ़ोन नंबर जारी किया है और इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा और इनके ऐड आ रहे हैं कि अब अगर आपसे पंजाब में कोई रिश्वत मांगे तो मना मत करना, जेब में हाथ डालना, उसको फ़ोन को रिकॉर्डिंग पे लगा लेना और उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना, ऑडियो रिकॉर्डिंग, और मेरे को भेज देना और मैं उस अफसर को जेल भेज दूँगा। आप यकीन नहीं मानोगे, पूरे पंजाब में डर बैठ गया है सबके, भ्रष्टाचारियों के मन में, कि अगर इस बंदे ने, मैं जिससे रिश्वत मांग रहा हूँ उसे पैसे मांग लिए तो वो मेरी रिकॉर्डिंग करके भेज। इन्होंने कई अफसर सस्पेंड कर दिए, जे वो कर दिए। पंजाब में भ्रष्टाचार बंद हो गया, गुजरात में भी हो सकता है। इन्होंने एक मैं सर ऐड करना चाहता हूँ, नॉट ओनली ऑफिसर्स की वीडियो आई जो मांग रहे थे पैसे, उल्टा भी आई सर। हाँ, एक ट्रैफिक पुलिस वाले को कोई आदमी 400 रुपए देने की कोशिश कर रहा था कि मुझे गलत काम कराने के, तो उसने कहा अपने साहब को, साहब फोन पे रिकॉर्डिंग करें, ये भगवंत मान को भेजेंगे, ये हमें पैसे देने की कोशिश कर, जबरदस्ती दे। अच्छा, दूसरे 2-3 निर्णय आज गुजरात के अंदर जनता प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से बहुत दुखी है, जबरदस्ती फीस बढ़ा देते हैं। इन्होंने आते ही पहला ऑर्डर जो जारी किया, पंजाब के अंदर कोई प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ाएगा, बहुत बड़ी बात है सर। क्योंकि गुजरात से अब शुरुआत करते हैं सवालों की, गुजरात में आप लोग इस बार चुनाव में आ रहे हैं, पहले तो आप जो गुजरात में खेली क्रिकेट की भाषा में तो शायद डेट प्रैक्टिस थी, लेकिन पहली बार दम खम के साथ उतरने का सोच रहे, क्या आम आदमी पार्टी गुजरात में सभी बैठकों पर चुनाव लड़ेगी या छोटू वसावा जैसे जो लीडर्स हैं जिनकी छोटे छोटे दल हैं उनके साथ टाइप करके लड़ेंगे? हम सभी उस पर चुनाव लड़ेंगे, सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और मैंने आज बोला, हमारा मकसद यहाँ पे बीजेपी को हराना नहीं है,
हमारा मकसद कांग्रेस को हराना नहीं है, हमें राजनीति करनी नहीं आती, हमारा मकसद है देश को जिताना, हमारा मकसद है गुजरात को जिताना, हमारा मकसद है गुजरातियों को जिताना। लोग जीतेंगे, लोगों को अच्छे स्कूल मिलेंगे, लोगों को अच्छा अस्पताल मिलेंगे, लोगों को अच्छा बिजली मिलेगी, उससे देश आगे बढ़ेगा। हम पॉजिटिव राजनीति करते हैं। पूरे पंजाब के अंदर हमने किसी को गाली गलौच नहीं किया। हम यहाँ पे बीजेपी के खिलाफ बोलने नहीं आए, हम यहाँ पे कांग्रेस के खिलाफ बोलने के लिए नहीं आए। हमें देशभक्ति करनी आती है, हमें राजनीति करनी नहीं आती। केजरीवाल जी, देखिए राजभक्ति देशभक्ति तो ठीक है, साथ में राष्ट्रभक्ति की बात भी और राजनीति की भी बात है। अब दिल्ली में चुनाव लड़े, कांग्रेस के खिलाफ लड़े, पहला चुनाव पंजाब में लड़े और पार्टी के खिलाफ लड़े। गुजरात पहला स्टेट होगा जिसमें रूलिंग पार्टी बीजेपी है, और आप भी जानते हैं कि 95 के बाद बीजेपी कभी भी गुजरात में हारी नहीं। आपके जो भी मंसूबे हैं, आप जो भी बातें कर रहे हैं, जो भी सोच लेकर आ रहे हैं, लेकिन तब ये सब कर पाएंगे जब सरकार बनेगी, और क्योंकि बीजेपी हारी नहीं है। ऐसे में 2022 में आप ऐसा तो क्या जड़ी बूटी लेके आओगे कि ये सब जो आप बातें कर रहे हैं या जो सोच रहे हैं वो कर पाओगे? आज सवेरे मेरे पास एक आदमी आया, हम दोनों बैठे हुए थे, आके मुझे गुजरात का ही था, मुझे उसे पता चला हम लोग आए, मैं मिलने का टाइम मांगा। आके बोलता है, सर 27 साल हो गए इनको राज करते करते, अब ये जनता की सुनते नहीं है, इनमें अहंकार आ गया, बहुत ज़्यादा घमंड आ गया इन लोगों में, और कांग्रेस कुछ कर नहीं सकती। तो बोले कि सब कुछ, बोले जनता की समस्याओं को कौन सुनेगा। तो मेरा ये कहना है, 27 साल में इन्होंने जितना करना था कर दिया, अब इनके अगले 5 साल भी अगर आ गए तो ये कुछ नया नहीं करने वाले। 27 साल में तो आदमी का दिमाग भी एक तरह से चलने लग जाता है। हमारा जनता को एक ही कहना है, एक मौका हमें दे के देख लो, नए लोग, नई राजनीति, नई पार्टी, नए चेहरे, सब कुछ नया है। दिल्ली के लोगों ने मौका दिया, कितना शानदार काम हुआ, पंजाब के लोगों ने मौका दिया, अब 10 दिन के अंदर इतना अच्छा। जैसा आप कह रहे हैं कि बीजेपी इतने सालों से हारी नहीं, पंजाब 1966 में बना, 1967 में पहला इलेक्शन हुआ, उसके बाद पंजाब में कुछ बहुत देर, कुछ देर नहीं, देश में सबसे ज़्यादा टाइम राष्ट्रपति राज भी रहा। 19.5 साल बादलों ने राज किया, और 25 साल कांग्रेस ने राज किया। आप मोटा मोटा लगा के चलो 45 साल इन्होंने राज किया। तो 45 साल में लोगों का कुछ नहीं इन्होंने किया, वही बेरोजगारी, वही करप्शन, वही आज ब्रेन ड्रेन हो रहा है, पंजाबी भाग रहे हैं आईलेट्स करके, चलो चलो कैलिफोर्निया, चलो कनाडा, चलो ऑस्ट्रेलिया। तो हमने यही कहा था कि ये कोई ऐसा नहीं है कि हम पक्के ही आ जाएंगे, एक मौका देके देख लो। उन्होंने मौका दिया, आज वो ये कह रहे हैं पंजाबी 20-21 दिन में, यार इससे पहले वाला ही मौका अगर आपको दे देते तो पता नहीं अब तक कहाँ चले जाते। लेकिन चलो, जनता जनार्दन है, उनका जो फतवा है वो शर्माते पर, लेकिन हम पॉजिटिव राजनीति करते हैं। हम किसी, उन्होंने बहुत गालियाँ दी, केजरीवाल को कपड़े नहीं पहनने आते, उसका रंग काला है, भगवंत मान ये है वो है दिमका है, लेकिन हमने कहा जी अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, बिजली सस्ती करेंगे, और आपके बच्चों को रोजगार देंगे, इंडस्ट्री अच्छी करेंगे, इंडस्ट्री को वापस लेके आएंगे। अब जैसे गुजरात में मैं आज दंग रह गया, मेरे को पता चला पुलिस में भी कच्चे कर्मचारियों की भर्ती होती है कॉन्ट्रैक्ट पे। शायद गुजरात पहला राज्य होगा जहाँ पे पुलिस में भी कच्चे कर्मचारी, इन्होंने आते ही सबसे पहला इन्होंने अनाउंस किया कि जितने कच्चे कर्मचारी है पंजाब सरकार में सबको पक्का किया जाएगा, और इसी सेशन में बिल लेके आएंगे। लोगों के समस्याओं का समाधान हमारे पास है, क्यों? क्योंकि हम राजनीति नहीं करते, हमें राजनीति नहीं करनी आती, हमें काम करना आता है, हमें देशभक्ति। तो ऐसे ही दो राज्य में तो सरकार बनेगी नहीं, नहीं, जनता को हमारे काम पसंद है, जनता को हमारी बातें पसंद है, क्योंकि हम देशभक्ति की बात करते हैं, हम राजनीति की बात नहीं करते। पूरे आज मैं 2-3 जगह मैंने भाषण दिया रोड शो में, आप देख लो कहीं मैंने किसी को गाली दी हो। पंजाब में मैं 1 साल से कैंपेनिंग, कहीं मैंने किसी को गाली नहीं दी। हम गाली गलौच की राजनीति, तू तू मैं की राजनीति नहीं करते, हम जनता के काम के और काम करके दिखाया हमने। एक मैं बात कहना चाहूंगा, मैंने होश संभाला, मैंने अरविंद जी एक ही नेता है
जिन्होंने 2020 के इलेक्शन के 3 महीने पहले ये बोल दिया। अब आप कह रहे हैं ना राजनीति जानते हैं, ये राजनीति, अगर हमें राजनीति आती तो ये न मत बोलते कि अगर मेरे 5 साल के काम पसंद है तो वोट दे देना, वरना हमें वोट ना देना। ये कोई पॉलिटिशियन बोलेगा? नहीं, हर बार कह रहे हैं एक मौका और दे दो, एक मौका और दे दो, एक मौका और दे दो, पहले गलती हो गई, ये मौका। तो हम काम करना जानते हैं। नहीं अरुण जी, मेरा सवाल भी ये था कि देखिए पंजाब में तो आपके पास भगवंत मान भी थे, 2014 में आपके सांसद भी आए थे, 19 में भी सांसद है। अब जिस गुजरात में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, वहां न तो आपका एक विधायक है, न तो कोई सांसद है, न तो बड़ा संगठन है। और आप जानते हैं कि बीजेपी का किस प्रकार का संगठन, कितना गहरा संगठन स्थापित है। ऐसे में कितना बड़ा पटकार होगा, कितनी बड़ी चुनौती होगी? जनता अपनी समस्याओं का समाधान मांग रही है। जनता कह रही है कि मेरे घर में एक रोजगार हो, मेरे घर में खाने को हो, मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, मेरे घर में कोई बीमार हो तो उनका अच्छा इलाज हो जाए, इन सब की व्यवस्था हम करते हैं। आज से 10 साल पहले कोई केजरीवाल को भी नहीं जानता था, कौन जानता था, पर जनता ने भरोसा किया एक आम आदमी पे। आज से 10 साल पहले भगवंत मान को भी कोई नहीं जानता था, एक आर्टिस्ट थे, आर्टिस्ट के रूप में जानते थे, लेकिन एक पॉलिटिशियन के रूप में। अच्छा, गुजरात के 6 करोड़ लोगों पे यकीन कीजिए, ये गुजरात के 6 करोड़ लोगों में से एक शानदार व्यक्ति जो उम्मीद देगा गुजरात को। आप जानते हो उसका नाम जिसने चरणजीत चन्नी को हराया? दोनों जगह से, दोनों वालों को जानते नहीं होंगे। आप जानते हो उस लड़की का नाम जिन्होंने सिद्धू और मजीठिया दोनों को हरा दिया? आप जानते हो उनका नाम जिन्होंने कैप्टन अमरिंदर हरा दिया? आप जिन्होंने सिटिंग चीफ मिनिस्टर, पंजाब के जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, उनको हराने वाला व्यक्ति एक मोबाइल शॉप पे रिपेयरिंग का काम करता है। केजरीवाल जी, देखिए भगवंत मान आपके पास थे पंजाब में, गुजरात में कौन हो सकता है भगवंत मान? क्या आप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के बाद चुनाव में उतरोगे? जरूर घोषित करेंगे। और मेरे को अपने पे भरोसा नहीं है, मेरे को गुजरात के लोगों पे भरोसा है। दिल्ली के लोगों ने एक अरविंद केजरीवाल दिया, पंजाब के लोगों ने एक भगवंत मान दिया, अब 6.5 करोड़ गुजरात के लोगों पे भरोसा करो, यहाँ से एक अरविंद केजरीवाल या भगवंत मान बड़ी जल्दी निकल के आएगा जो गुजरात की बात करेगा, गुजरात के लोगों को एक उम्मीद देगा। क्योंकि बात ही निकले तो देखे, नरेश पटेल बड़े पॉलिटिकल लीडर तो नहीं, उनका कहना है कि सभी पार्टी की ओर से उन्हें ऑफर है, बड़ी कम्युनिटी के लीडर भी हैं, बड़ी संस्था के साथ भी जुड़े हैं, और क्योंकि अब जो बातें आ रही है, खबरें आ रही हैं कि वो कांग्रेस के साथ हो सकते हैं, क्या उम्मीद है नरेश पटेल आपके साथ जुड़ सकते हैं? आपकी कुछ बात हुई है उसको लेकर? हम गुजरात में जितने भी अच्छे लोग हैं किसी भी जाति के, उन सब लोगों का हमारी पार्टी में, जो जो गुजरात में अच्छा चाहते हैं, लोगों के बारे में चाहते हैं, उन सब का आम आदमी पार्टी में स्वागत है। नरेश पटेल जी का भी स्वागत है, दूसरे लोगों का भी स्वागत है, जो जो लोग आम आदमी पार्टी में आना चाहते हैं और गुजरात का बदलाव चाहते हैं, सब लोगों का स्वागत है। केजरीवाल जी, देखिए आप एक बार बोलते हैं कि आप राजनीति नहीं जानते, लेकिन आपसे अच्छी राजनीति कोई नहीं जान सकता, मुझे भी आप चकमा दे रहे हैं। मेरा सीधा सवाल है, क्या नरेश पटेल आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं? आपकी कुछ बात हुई? नहीं, बात मेरी सबसे हो रही है, नरेश पटेल जी से भी कई बार मेरी मुलाकातें हुई हैं, और भी गुजरात के बहुत सारे लोगों से। जब से हमने ये तय किया है कि गुजरात में चुनाव लड़ेंगे, मैं पिछली बार शायद लगभग कई महीने पहले आया था, उसके बाद से गुजरात के कई नेताओं का भी, समाज के प्रतिष्ठित लोगों का भी, सब लोगों का आना जाना लगा रहता है, सबसे बात होती है। नरेश पटेल जी से भी बात हुई है हमारी। क्योंकि आपने आने जाने की बात की, तो आना जाना आपकी पार्टी में भी शुरू हुआ। देखिए सूरत में आपने खाता खोला, उसमें कोई दो राय नहीं थी कि पहली बार चुनाव लड़े, 27 बैठकें लेके, 27% लेके, लेकिन उसमें से 5% चले गए, 2 वापस आ गए, लेकिन चले तो गए, कोई बात नहीं। भूला भटका जब घर लौट आए तो उसे भूला भटका नहीं बोलते। हमारे 20 सांसद थे, उसमें से 7-8 चले गए थे, 2-3 वापस आ गए थे, उसके बाद उकरे झाड़ू तीला तीला हो गया। आज 92 है हमारे पास, 92, और जो कहते थे झाड़ू तीले तीले हो गए उनके 18 हैं, और जो कहते थे राज करेंगे 25 साल, उनके पास सिर्फ 3 है, अकाली दल। वो तो ओथ लेने भी नहीं आ रहे कि किस मुंह से जाएंगे। तो मतलब पब्लिक है जी, जनता जो है, पब्लिक जब चाहे आदमी अर्श पर, पब्लिक जब चाहे आदमी फर्श पर। आप आने जाने की बात करते हैं, अच्छे लोगों के स्वागत की भी बात करते हैं,
इस चुनाव में 2022 में बीजेपी कुछ लोगों को ड्रॉप करती है या तो टिकट नहीं देती, इसी प्रकार से कांग्रेस किसी की टिकट काटती, क्या ऐसे लोग आम आदमी पार्टी, ऐसे लोगों का आम आदमी पार्टी स्वागत कर सकती है? ऐसे भी कैंडिडेट हो सकते हैं जो बीजेपी से नाराज होकर आपके साथ जुड़े और कांग्रेस से नाराज होकर आपके साथ जुड़े? इसमें दो चीजें हैं, जैसे ये बीजेपी का बड़ा अच्छा स्टाइल है, जैसे पिछली बार नगर निगम के, दिल्ली नगर निगम के चुनाव हुए, सब लोग कह रहे थे कि बीजेपी ने बहुत भ्रष्टाचार किया, बीजेपी ने बहुत भ्रष्टाचार किया, उन्होंने सारे कैंडिडेट बदल दिए। तो एक तरह से उन्होंने माना कि हमारे वालों ने बहुत भ्रष्टाचार किया, उन्होंने सारे बदल के नए ले आए। तो जिनको बदला उनको जेल तो भेजो, उनके खिलाफ कार्रवाई तो करो, आप खुद मान रहे हो कि उन्होंने गड़बड़ करी। तो अब अगर ये कुछ लोगों को बदलते हैं तो इसका मतलब कांग्रेस ने चीफ मिनिस्टर बदल दिया सर, अपने चीफ मिनिस्टर बदल किया पंजाब में, 4.5 साल कैप्टन और उसके बाद चन्नी और जो उनके मंत्री थे वो सेम। तो मतलब ये एक आदमी पर थोपते हैं कि इसकी वजह से गलत हो रहा था वरना हमारी पार्टी तो ठीक है, लेकिन लोगों ने यकीन किया। केजरीवाल जी, क्योंकि आपकी पार्टी का दायरा भी बढ़ रहा है, दिल्ली के बाद पंजाब में आपके विधायक भी इतने सारे आए, स्वाभाविक तौर पर राज्यसभा के सदस्य भी बढ़ेंगे, सांसद भी आपकी पार्टी के, प्रेसिडेंट के चुनाव आ रहे हैं, राष्ट्रपति के चुनाव आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या होगा? क्या यूपीए के साथ रहेंगे या अलग से बात करेंगे? हम चाहते हैं कि देश को एक बहुत अच्छा राष्ट्रपति मिले। देखेंगे कि कौन किस, कौन कौन खड़े हो रहे हैं, कौन कौन कैंडिडेट्स हैं, उसके बाद सारी पार्टी मिलके हम लोग उस पर निर्णय लेंगे। हमारे लिए जैसा मैंने यहाँ कहा, मैं ना तो यहाँ बीजेपी को हराने आया, ना मैं कांग्रेस को हराने आया, ना मेरा किसी दल से कोई लेना देना है, ना मेरा पार्टी से, ना मेरा किसी नेता के खिलाफ मैं हूँ, ना मेरा मकसद देश है। हम हमेशा देश को सामने रखते हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। जो भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे उनमें हम देखेंगे, जो अच्छे होंगे उनका साथ देंगे। क्योंकि देखिए, आप दिल्ली तो जीते, विधानसभा जीत लेते हैं, पंजाब भी विधानसभा जीत ले, लेकिन आप एमसीडी के चुनाव जीत नहीं पाए, क्या वजह हो सकती है? इस बार करा के देखते, वो लोग जीत जाते हैं, हम लोग करा ही नहीं इस बार, बीजेपी डर गई इस बार। बीजेपी ने चुनाव क्यों टाले बताओ, आप खुद ही बताओ। नहीं, बीजेपी ने चुनाव क्यों टाले? सरकार बनने के बाद भी तो चुनाव आए थे, तभी तो नहीं जीत पाए थे। उस टाइम नहीं जीत पाए थे, उसके कई कारण थे, लेकिन इस बार तो जीत रहे थे हम लोग, सारे सर्वे दिखा रहे थे। बीजेपी ने चुनाव टाल दिए, खैर टाल दिए। अब जब भी चुनाव कराएंगे, मेरा को पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से ये चुनाव जीतेगी। मुझे भी यही कराया था, क्या आप विधानसभा का चुनाव हार जाते हो, लोकसभा का जीत जाते हो? मैं इससे पहले 4 बार चुनाव लड़ा था, पहले विधानसभा का 2012 में हार गया, 2014 में लोकसभा जीत गया, 2017 में जलालाबाद से मैं हार गया, और 2019 में लोकसभा जीत गया। तो कहते जी आप विधानसभा तो जीत ही नहीं पाओगे, 58,000 से जीते हैं। तो पब्लिक किसी को यहाँ पक्का नहीं बिठाती, पब्लिक जब फैसला करती है तो करती है बस। पॉलिटिशियन की नौकरी पक्की नहीं है, कच्ची नौकरी है। कि अच्छा कैंडिडेट होगा उसका साथ देंगे, राजनीति करने नहीं आए, क्या बीजेपी आपकी पसंद का, या तो आप जिसको सोचते कि अच्छा कैंडिडेट हो सकता है उसको प्रेसिडेंट के तौर पर प्रोजेक्ट करती है या प्रेसिडेंट के तौर पर उम्मीदवार घोषित करती है एनडीए की ओर से, तो क्या आप उन्हें साथ देंगे? अच्छा तो हो, देखेंगे किसका क्या कौन सा क्या है। हम तो बहुत छोटी सी पार्टी है, हमारे तो पूरे इलेक्टोरल कॉलेज में बहुत थोड़े से वोट हैं, हम अपना कैंडिडेट तो खड़ा कर नहीं सकते। तो जो भी कैंडिडेट्स खड़े होंगे, जरूरी नहीं कि कोई पार्टी वाला ही होगा, हो सकता है कोई इंडिपेंडेंट अच्छा खड़ा हो जाए। अच्छा व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बने, देश की आन बान शान बने, ऐसे व्यक्ति को वोट। आपको सर लग रहा है कि राष्ट्रीय राजनीति में अब जिस प्रकार की कांग्रेस की हालत है, ऐसे में यूपीए के बाद यूपीए 2 खड़ा होता है, तो अरविंद जी का रोल क्या हो सकता है? और क्योंकि ममता जी को आप जानते हैं, तो क्या ममता जी बड़ी राष्ट्रीय लीडर बन सकती है अरविंद जी? मेरे को ये सारा गणित आता ही नहीं समझ में, ये सारी तोड़ जोड़ गठजोड़, ये मेरे को समझ में ही नहीं आता। मेरा जिंदगी का मकसद है इस देश के 130 करोड़ लोगों का कोलिशन बनाना, उन पार्टियों का कोलिशन मेरे को समझ नहीं आता। 75 साल में इन सारी पार्टियों ने, नेताओं ने मिलकर देश को लूट लिया, देश को बर्बाद कर दिया। अगर दिल्ली के अंदर 6 साल के अंदर, 5 साल के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार बन सकते हैं, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों पे हम लगाम लगा सकते हैं, दिल्ली के अंदर बिजली 24 घंटे हो सकती है, दिल्ली में बिजली मुफ्त हो सकती है, दिल्ली में पानी मुफ्त हो सकता है, दिल्ली में पानी 24 घंटे हो सकता है, दिल्ली में सरकारी अस्पताल शानदार बन सकते हैं, इतने मोहल्ला क्लिनिक बन सकते हैं, सड़कें बहुत अच्छी हो गई, अगर दिल्ली का 5 साल में इतना विकास होता है तो इन सारी पार्टियों ने 75 साल में क्यों नहीं किया?
देश को जानबूझ के गरीब और जानबूझ के अनपढ़ रखा गया, केवल और केवल गंदी राजनीति हुई है इस देश के अंदर, केवल भ्रष्टाचार हुआ है, इसे बदलना है और इसे केवल देश के लोग बदल सकते हैं, ये पार्टियां नहीं बदल सकती। मेरी जिंदगी का मकसद पार्टीबाजी करना नहीं है, राजनीति करना नहीं है। 130 करोड़ लोगों का कोलिशन बनाएंगे हम, इसमें डॉक्टर भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे, किसान भी होंगे, लेबर भी होगी, मजदूर भी होगा, व्यापारी भी होंगे, लॉयर भी होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब मिलके हम मिलके देश को आगे बढ़ाएंगे। देखिए आप कहते हैं राजनीति नहीं आती, लेकिन राजनीतिक गणित आपका काफी अच्छा है। पंजाब के चुनाव के टाइम पे आप जो भी डिबेट्स में जाते थे वहां आंकड़ा तक लिख के देते थे कि इतनी सीट आम आदमी पार्टी की आई। आपका गणित क्या कह रहा है, गुजरात में आम आदमी पार्टी की कितनी बैठक आ सकती है? थोड़ा समय दीजिए, हम सर्वे कराते हैं, लिख के भी देंगे, सर्वे कराते हैं, हमारे सर्वे बड़े सटीक होते हैं। मैं वैसे ही मैं ज्योतिष नहीं करता, मैं इंजीनियर हूँ, मैं सर्वे करता हूँ। तो थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा हमें काम कर लेने दीजिए, क्लोजर टू इलेक्शन आपके साथ एक और इंटरव्यू करेंगे। दूसरा एक सवाल था कि एक फिल्म को लेकर काफी विवाद हो, दी कश्मीर फाइल को लेकर, आपने विधानसभा में उस फिल्म को लेकर काफी हंसे भी, क्या वो नेचुरल हंसी थी या राजनीति का हिस्सा था? और क्या आपको लग रहा है आपने जो बयान दिया था वो सही नहीं था? क्या बयान दिया था आपने? जिस प्रकार से फिल्म को लेकर कहा था कि उसको यूट्यूब पे डाल देनी चाहिए, साथ में जिस प्रकार मैं आपको बात तुरंत हंसे, मैं अब हम क्यों हंसे इस हंसे को? बीजेपी वाले हमसे ज्यादा हंस रहे थे, वो वहीं बैठे थे सामने, आप वीडियो देखिए पूरा, बीजेपी वाले ज्यादा हंस रहे थे। हम दोनों क्यों हंस रहे थे? बीजेपी वाले भी हंस रहे थे, हम भी हंस रहे थे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है इस पिक्चर को प्रमोट करने के लिए, उस पे हंस रहे थे हम, ना तो फिल्म पे हंस रहे थे हम, ना कश्मीरी पंडितों पे हंस रहे थे। अगर ऐसा होता तो वो सामने वाले बीजेपी वाले भी क्यों हंसते हमारे साथ? तो एक ऐसा माहौल था, लेकिन उसको गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया। कश्मीरी पंडितों के लिए दिल्ली सरकार ने, हमने बहुत कुछ किया है, जितना हमारी तो छोटी सी सरकार है, छोटा सा दायरा है, दिल्ली भी छोटी है, हमारे दायरे में जो कुछ भी था, जैसे जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, उस पलायन के वक्त कई सारे कश्मीरी पंडित दिल्ली आए, दिल्ली सरकार में कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर लगे, तब से लेके आज तक वो कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहे थे। बीच में बीजेपी की भी सरकार आई, कांग्रेस, किसी ने उनको पक्का नहीं किया, हमारी सरकार ने आके उन लोगों को पक्का किया, हमने उनकी तरफ देखा। तो मेरा मकसद कश्मीरी पंडित हैं उनका भला करना है, मेरे को किसी पिक्चर से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, क्योंकि आपने जब टैक्स फ्री किया गया तो उसको लेकर भी किया, जबकि सच्चाई है कि दिल्ली सरकार ने भी काफी फिल्में टैक्स फ्री की है। नहीं तो तब यूट्यूब वाली बात नहीं कही आपने। नहीं, मेरा ये कहना है कि टैक्स फ्री कौन सी फिल्म करेंगे, कौन सी फिल्म नहीं करेंगे, फिल्म मुद्दा क्यों बन रहा है? मुद्दा कश्मीरी पंडित है। कश्मीरी पंडितों को अगर आप 32 साल के बाद, 32 साल पहले उन लोगों का पलायन हुआ और उनके ऊपर अत्याचार हुआ, 32 साल के बाद अगर कोई सरकार उठ के ये कहे कि अब तुम्हारे लिए एक फिल्म बना दी, ये फिल्म देख लो, ये तो इंसल्ट है उनकी। 32 साल के बाद तो हमें ये कहना चाहिए था कि आपके लिए हमने वहां पे रिहैबिलिटेशन का, रिसेटलमेंट का इंतजाम कर लिया, आइए मिलके उनका हाथ पकड़ के उनको कश्मीर ले जाते, जहां से उनको विस्थापन हुआ था वहीं जाके उनके लिए घर बनाते, ये मैं करना चाहूंगा। मैं उनके लिए फिल्म नहीं बनाना चाहूंगा। पार्लियामेंट में बोला, श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास कश्मीरी पंडित आए थे कि जी हमें जबरदस्ती हमारा धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी उस समय 8 साल के थे, बालिक थे। तो श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि किसी बड़ी शख्सियत की कुर्बानी की जरूरत है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, पिताजी आपसे बड़ा कौन हो सकता है? तो गुरु जी गए चांदनी चौक में, उनका शीश उन्होंने दिया। तो हम लोग तो वो लोग हैं जो एक दूसरे का धर्म बचाने के लिए, जो धाड़ भी आते थे उनसे हमारा धन बचाने के लिए, सोशल बॉन्डिंग ऐसी है। तो ऐसे कुछ कोई कोई नफरत के बीज हमारे बीच में बोएगा वो नहीं होगा, क्योंकि मैंने पार्लियामेंट में ये भी कहा था, कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। सर आप तो कलाकार रहे हैं, अब कोई फिल्म आती है इतिहास के ऊपर फिल्म आती है तो उसमें गलत क्या है? मैं कब कह रहा हूँ गलत है? बहुत सी आई हैं, बहुत सी जो डॉक्यूमेंट्रीज आई हैं, बायोपिक आई हैं, हम गलत कौन कह रहे हैं? लेकिन
एक ही पिक्चर को सरकार प्रमोट कर रही है कि ये देखो इसके 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 पोस्टर लगा दो इसको ये कर दो ये, इसी को दिखाओ तो समथिंग इसका मतलब कुछ ना कुछ मकसद है। दिल्ली में हम प्रचार कर रहे थे 2020 में, हम कह रहे थे स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, बिजली और अच्छी करेंगे, गारंटी है कि जो पिछली सुविधाएं चल रही हैं, तो वो क्या कर रहे थे, वो कर रहे थे ये तो यूपी ये तो आतंकवादी है, ये तो पाकिस्तानी है, ये तो खालिस्तानी है, ये तो फलाना धमका, ऐसे ही उन्होंने किसान आंदोलन में किया। तो मतलब कि कानून वापस लेने पड़ गए, हमने पहले ही कहा था कि कानून वापस ले लो, ये कानून नहीं है, मौत के वारंट है, मौत के वारंट में संशोधन नहीं होता, मौत का वारंट सिर्फ वापस ही लिया जा सकता है, तो लेने पड़े। तो इस विपक्ष का काम है सरकार के कान खोलना, वो खोलते रहेंगे। केजरीवाल जी आप राजनीति तो नहीं करते लेकिन राजनीतिक गणित को अच्छे से समझते हैं, क्या कृषि कानून का जो भी इंसिडेंट हुआ उसका फायदा आम आदमी पार्टी को पंजाब में मिला? मैं नहीं समझता, मैं समझता हूं कि पंजाब के अंदर दो चीजें एक साथ हुई, एक तो मौजूदा पार्टियों के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा था लोगों में, बहुत ज्यादा गुस्सा, मतलब ये कि बस इनको नहीं लाना, किसी को भी ले आएंगे इनको लेना, तो उसमें कांग्रेस बीजेपी अकाली दल तीनों पार्टियां जो काफी टाइम से पंजाब में, तीनों को हराना चाहते थे अब पंजाब के। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को लेके उम्मीद थी, पॉजिटिविटी थी, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में लोग आना जाना लगा रहा था। दिल्ली में हमने जो 5 साल में काम की उसकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी पूरे देश में है, तो लोग देखते थे जब जाते थे दिल्ली, यार अस्पताल इतने अच्छे हो गए सरकारी, लोगों का सबका फ्री इलाज हो रहा है, फ्री दवाइयाँ मिलती है, स्कूल अच्छे हो गए, सड़कें अच्छी हो गई, बिजली फ्री हो गई, तो हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इनके खिलाफ नेगेटिव हमारे लिए पॉजिटिव, ये बन के 92 सीट्स में कन्वर्ट हो गया। હું તો બોલીશમાં સમય થયો છે એક વિરામનો, વિરામ બાદ ભગવંત માન અને અરવિંદ કેજરીવાલ સાથે વાત યથાવત રાખીશું।